भारत सोचेगा कि ये टीम जो है ना ये चिचड़ किस्म की टीम है, ये पड़ेगी हमें। और वो भी उन्होंने जो कमिंस ने लास्ट बात की है ना, वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग द फाइनल अगेंस्ट इंडिया, तो उन्होंने एक तरह से वार्निंग भी दे दी है कि वी आर रेडी फॉर यू। तो ये मुकाबला उस लिहाज से होगा, मगर मैं फिर कहता हूं कि भारत बहुत आगे निकल गया इस वर्ल्ड कप में, आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। और फिर भी अगर वो थोड़े बहुत उनको टर्बुलेंट झटके लगते हैं, फिर भी वो जीतेगा, वो मुझे ऐसा लगता है। इंडिया जो है वो इस सारे टूर्नामेंट में लीड ले गया, फाइनल में जो भी रिजल्ट आए, लेकिन उन्होंने शो किया कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, और तैयार हो के टीम आए तो कैसा खेलती है। इंडिया बहुत फेवरेट है, बैलेंस टीम है, उनके कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, बॉलिंग का, बैटिंग का, इवन फील्डिंग आप देखें, तीन चार कैचेज तो जडेजा ही कर गया पिछले सेमीफाइनल में। तो कल का जो संडे को मैच होगा वो है, तो अगर देखा जाए तो 70% तो इंडिया के हक में है, 70। यार हैट्स ऑफ टू शमी, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की इस वर्ल्ड कप में, उनका इंटरव्यू सुना और उन्होंने कहा मैं सिर्फ अपने टाइम का इंतजार कर रहा था कि मेरा टाइम कब आएगा, एंड आई वाज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। और जो उनके फिगर्स हैं, ये स्टैट्स हैं इस वर्ल्ड कप में, आई थिंक डेफिनेटली द मैन ऑफ द टूर्नामेंट शुड बी मोहम्मद शमी। हम तो ये समझ रहे हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, और मैं उनको ये क्रेडिट देता हूं शमी को कि उसने बड़ी अच्छी कमबैक की और डिजर्व टू बी हीरो फॉर इंडिया। और जो पूरी दुनिया ने देख लिया है सर, जो हम सुनने में आ रहे थे कि इंडिया के बीच में मुसलमान बड़े तंग हैं, मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, मुसलमानों को कहीं भी एपिशिएट नहीं किया जाता, मुसलमानों को ऊपर नहीं आने दिया जाता, आज वही इंडिया है, वही इंडिया की क्रिकेट टीम है जिसमें सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी जो है मुसलमान है, उन्होंने मैन ऑफ द मैच जो है वो उसका अवार्ड लिया। अबाउट द सेंसेशन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, नॉट जस्ट द सेमीफाइनल बट द होल वर्ल्ड कप, मोहम्मद शमी हैज बीन एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर, द फर्स्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप हुज गॉट 4 फाइवर्स इन द वर्ल्ड कप गेम्स, हमारा एक भी नहीं है। मोहम्मद शमी एक मैच में 7 विकेट, ओ हमारे बॉलरों ने पूरे टूर्नामेंट में 7 विकेट नहीं ली, घंटे हो। तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है इंडिया की टीम से इस वक्त कि इनका आपस के अंदर कंपटीशन है कि मैं उससे बेहतर नजर आऊं, मैं अच्छा परफॉर्म करूं, हेल्दी कंपटीशन उनके अंदर नजर आ रहा है। जो मैच के बाद वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठते हैं, उनका कोच जिस तरीके से एक एक का नाम लेता है कि किसने अच्छी फील्डिंग की आज का दिन, किसका जबरदस्त रहा, तो उसमें वो चाहते हैं कि यार शर्मा की लीडरशिप और कमिंस की लीडरशिप का कंपैरिजन अगर हम देखें तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि वो भी टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए। देखिए, एक तो जो भारतीय टीम में कुछ 4-5 तो इनके आई थिंक आईपीएल के लीडर्स हैं, जिसमें केएल राहुल है, जिसमें रोहित है, जिसमें विराट है, यू नो ये और इसलिए आसान है ये टीम को मैनेज करना क्योंकि इनको पता है इनके रोल्स क्या हैं, डिफाइंड है, क्लैरिटी है। विराट कोहली जाता है वो एंकर बनता है, बड़ी हिट्स नहीं वो लगाता है, सो इसके इर्द गिर्द जो है वो सूर्या कुमार है या दूसरा श्रेयस अय्यर है, तो ये टीम जो है ना वेल ऑयल्ड है। और टोन सेट कप्तान कर रहा है, वो जाता है और बेबाकी से खेलता है, इसका मतलब ये है कि तुम हम पकड़ लेंगे, फिक्र ही ना करो। और वो इतना ज्यादा हमले से फिर आप बैकफुट पे डाल देते हैं आप जी। तो मेरे ख्याल से लीडरशिप की क्वालिटी इसमें बहुत ज्यादा है, कमिंस में भी बहुत अच्छा है, देखें वो ऑन द जॉब सीख है और उसके लिए भी उसको ये पता है कि जब उसका एक मेजर प्लेयर चलेगा तो 160 ही करेगा। मुकाबला बेसिकली भारतीय बॉलिंग का होगा वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, और मैं समझता हूँ कि चाहे वो T20 क्रिकेट है, ODI क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, बॉलर्स आपको मैचेस जिताते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बॉलिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, आपके पत्ते ठीक हैं। अगर आपने मुकाबला करना है तो अगर सीखना है तो कोहली से सीखे। उसने हम हमेशा से ये कहते थे हमारे जमाने में कि इंडियन जो है वो फिजिकली वीक है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अब जब IPL आई, उनके जो स्टैंडर्ड है, फिटनेस स्टैंडर्ड, डाइट के स्टैंडर्ड, और उनके सामने जो एक रोल मॉडल्स है वो बदल गए हैं। तो आई थिंक पाकिस्तानी टीम को अगर उनका मुकाबला करना है तो बिरयानी से बाहर आना पड़ेगा। एक तो कम से कम उन जैसी अपनी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अगर उनको बीट करना है तो उनसे आगे का सोच। देखिए, उन्होंने रीएम्फसाइज किया एक चीज कि फास्ट बॉलिंग अगर आपने करनी है, आपके पास अगर स्विंग नहीं है तो सीप मूवमेंट जरूर होनी चाहिए और उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी लाइन जो है वो बड़ी टाइट होनी चाहिए जहां पे बैट्समैन को आप हार्ड वर्क करवाएं रन्स के लिए। और ये क्रिकेट इस तरह की है कि अगर आप बैट्समैन को चंद ओवर अच्छे करते हैं तो बैट्समैन ने कोई ना कोई इनडिफरेंट चीज करनी है और उसका फायदा बॉलर को होता है। सो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप स्पिनर हैं तो आपको गेंद स्पिन करना आना चाहिए, अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपको
फास्ट नहीं, आपको गेंद को स्विंग करना है या सीम करना है। अगर ये आप करते हैं तो आप जहां मर्जी खेल रहे हो आपको विकेट्स मिलेंगे। और आपको जमाना याद होगा जब वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स जो थे किसी तरह की भी पिच होती थी वो आके जबरदस्त बॉलिंग करते थे। और एक और चीज जो डिस्कस करने वाली है मेरे ख्याल से, ठीक है, इंडियन टीम बहुत आगे निकल चुकी है और वो बहुत बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन हमें जाहिर है ये भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी दूसरी तरफ स्ट्रांग टीम है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को हराने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और टॉस कितना अहम है? टॉस अहम होगा इसलिए कि अहमदाबाद में अब ये देखें, मुझे लगता है कि ये स्पिन फ्रेंडली सी पिच बनाएंगे क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन है, कुलदीप और जडेजा, और फिर बैटिंग लो बाउंसी पिचेस पे अच्छी करते हैं भारतीय बल्लेबाज, और वो तीन मेजर उनके जो फ्रंट लाइन विकेट टेकर्स जैम्पा को ये संभाल लेंगे क्योंकि स्पिन को भारतीय टीम अच्छा खेलती है। सो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे। हराने का अच्छा आपका क्वेश्चन है, देखें अप फ्रंट एग्रेसिव विकेट्स, और ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग के थ्रू प्रेशर डालता है और फील्डिंग ऑफ लेट बहुत अच्छी कर रहे हैं, कैचेस कर रहे हैं, रन आउट करते हैं, और फिर यही वही बात है कि डीप तक लेके जाते हैं मैच को। सो ये इनका आउटसाइड चांस ये है कि इनका ग्रेट डे हो, कुछ चार विकेटें गिरा लें या 50 के ऊपर, कुछ इस तरह की एक मैसिव किस्म की अप फ्रंट स्ट्राइक करें, जो कि देखे ना पिछला मैच भी तो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था भारत का, इन्होंने तीन विकेटें गिरा ली थी ना 10 रन पे, तो फिर 200 कर दिया था भारत ने। तो मुझे ये जो उसकी ये जो है ना ये रेफरेंस पॉइंट्स, वो कमिंस कहता है वो रेफरेंस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मगर मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट है भारत के लिए। मुश्किल पिच पे उन्होंने वो मुकाबला आराम से फिर जीत लिया था। सो मैं कहीं भी देखता हूँ ना कोई वीक लिंक भारत का मुझे नहीं नजर आता है। देखिए तीन स्पेशलिस्ट पेसर्स, ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है हार्दिक पांड्या के बजाय शामी को खिलाना, क्योंकि फिर वो 5-5 विकेट्स ले रहे हैं जी। सो और उनको पता है कि अगर छठे नंबर पे बैटिंग नहीं चलेगी, सातवां भी स्कोर नहीं करेगा तो आखिरी पे फिर बचा क्या, बिल्कुल वो नहीं होता। वो ये होता है कि आपके अगर टॉप ऑर्डर नहीं करता फंक्शन या मेजर आपके बल्लेबाज स्कोर नहीं करते तो बेचारा वो 7-8 पे आपको मैच नहीं बचा सकता। कहीं ना कहीं हमें लगता था कि वन डायमेंशनल किस्म की इनकी बैटिंग लाइनअप है, सब हिटर है, और स्टीव स्मिथ को भी इन्होंने बाहर बिठाया, जब कल हमने देखा और बांग्लादेश के मैच में उससे एक स्टेबिलिटी हमें नजर आई इनकी साइड के अंदर, लगा कि ये अब बैलेंस साइड नजर आ रही है। आप कैसे समझते कि इनको रखना चाहिए था थ्रू आउट और अब इनके आने से कितना बेनिफिट होगा टीम को? देखिए जो लबुशेन और स्मिथ है ना ये आपके मैच विनर्स नहीं है मिडिल ऑर्डर में, जैसे कि केएल राहुल और विराट कोहली। आप अगर मुआवजा करें ना तो ये मतलब फिल किया हुआ है उनको मिडिल ऑर्डर में, मगर ऐसी दहशत नहीं मचाते हैं जैसे कि वार्नर है, जैसे मिच मार्श ऑन द डे है, जैसे मैक्सवेल है। सो मैक्सवेल का देखें ना इम्तहान पड़ेगा जडेजा और कुलदीप से, और अगर स्पिनिंग ट्रैक है वो फंस जाते हैं क्योंकि क्वालिटी की स्पिन है ना, एक जगह पे बॉल करते हैं। सो और इसी तरह से स्मिथ जो है वो सेट भी हो जाए तो वो मैच लेके नहीं जा सकते तने तना।